नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम तो आपसे निवेदन है कि कोई भी नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब तक पूरी जानकारी नहीं आपके समक्ष आएगी तब तक उसका कोई लाभ नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी जानकारियां हम जैसे ज्योतिष संबंधी भेजते हैं, एक बार में, दो बार में, तीन बार में, तो अगर आप उसको क्रमशः सुनेंगे तो उसका लाभ मिल पाएगा। जैसा कि हम अभी मेष राशि और वृष राशि पर चर्चा कर चुके हैं, शनि के पारगमन के बारे में, जैसे शनि मकर राशि में परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है आगामी 24 जनवरी को, तो उसका मेष राशि पर और वृष राशि पर क्या प्रभाव होगा, ये हम पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। आज हमारा जो बताने का जो टॉपिक है वो मिथुन राशि का है, तीसरी नंबर की राशि का, कि जैसे मैंने बताया था कि 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो एक एक राशि पर उसके किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आज हमारा जो विषय है वो मिथुन राशि का है। मिथुन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरह से पड़ेगा, मिथुन राशि के जातकों को कैसे सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह से। तो मिथुन राशि का शनि जो है अष्टम भाव में पड़ेगा, और चूंकि अष्टम भाव आयु का और पुरातत्व का, मृत्यु का होता है, तो जहाँ पे भी शनि देव बैठते हैं उस स्थान की उन्नति करते हैं। तो चूंकि आठवां भाव जो है इन सब चीज़ों का है, तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के लिए शनि का आठवें भाव में बैठना बहुत अच्छा नहीं है लोगों के हिसाब से भी और ज्योतिषी हिसाब से भी, परंतु मेरा इसमें मानना कुछ भिन्न तरीके से। आठवें भाव में बैठेगा तो कुछ परेशानियों के साथ में व्यक्ति के लिए कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी जीवन के क्षेत्र में, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी व्यक्ति को थोड़ा बहुत होगी। मिथुन राशि के जो भी जातक हैं उनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ आएंगी, और छोटी मोटी घटनाएं भी हो सकती हैं, वाहन इत्यादि चलाते समय उनको सावधानी भी बरतना चाहिए, और शरीर के किसी भाग पर, किसी अंग पर भी दिक्कत हो सकती है। परंतु इन सब चीज़ों के बावजूद में जो शनि अष्टम भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा होगा, ऐसे निर्णय होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और बहुत ही अस्थायी निर्णय होंगे, जैसे किसी चल अचल संपत्ति से संबंधित, कोई भूमि या भवन से संबंधित, ये सब चीज़ें जो है सकारात्मक हैं। नकारात्मक होने के साथ साथ में भी मिथुन राशि पर शनि का जो अष्टम भाव में बैठना है वो सकारात्मक रहेगा। अब इसकी तीन दृष्टियों की बात है, जहाँ तक दशम भाव मीन राशि पे दृष्टि पड़ रही है, तृतीय दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, तो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र से, पिता राज्य व्यापार क्षेत्र से थोड़ा बहुत असंतुष्टि, और साथ में सातवीं दृष्टि कर्क राशि पर पड़ रही है, वो भी शत्रु राशि है, तो धन कुटुंब के स्थान में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, धन का कोष जो है वो उसमें खर्चा होगा, धन का कोष कम होगा, और कुटुंब स्थान में भी थोड़ा बहुत मनमुटाव और मानसिक अशांति, इस तरह की दिक्कतें। और दसवीं जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी पंचम भाव तुला राशि पर, संतान स्थान में भी, परंतु चूंकि तुला राशि में शनि उच्च का होता है, उच्च दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है, तो संतान स्थान में मिथुन राशि के जातक के लिए मिला जुला असर रहेगा। तो कुल मिलाकर के वैसे तो लोगों के दृष्टिकोण में और ज्योतिषीय दृष्टिकोण में शनि मिथुन राशि पर शनि का प्रभाव अच्छा नहीं है, परंतु मेरे हिसाब से अच्छा है,
और इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी महत्वपूर्ण होनी हैं जो आपके लिए बहुत समय से लंबित थी, तो बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ संतुलन का हिसाब होता है, अगर कुछ कष्ट हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो इसलिए दोस्तों, मिथुन राशि के बारे में शनि का यह प्रभाव रहेगा। आगे हम अगली वीडियो में कर्क राशि के बारे में बताएंगे, और अगर आपको ये जानकारी संतोषजनक लगती है तो इसको ज़रूर अग्रसारित करें ताकि किसी का लाभ हो सके। धन्यवाद।